सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। और पिछले क्लास में दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें, विकास किस तरीके से हुआ, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, और साथ ही हमने देखा कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी रहीं, पांचों पीढ़ियों के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस क्लास में कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है और कंप्यूटर के लाभ क्या क्या है कंप्यूटर का प्रयोग करने से, और कंप्यूटर का प्रयोग करने से क्या क्या हानियां हैं, और कंप्यूटर के प्रकार किस प्रकार से कंप्यूटर को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखेंगे। और इसी के साथ हम इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी करेंगे आपके पहले चैप्टर पे, और इसके साथ फर्स्ट चैप्टर को हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ से प्रश्न देखिए बनते ही बनते हैं, कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है और कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है और कंप्यूटर की लाभ हानि और कंप्यूटर के प्रकार, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, इन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है या और विषयों की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी विषय आपको पढ़ना है उसके नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस विषय का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको उस विषय से जुड़ी हुई सभी क्लासेस मिल जाएंगी जिसको पढ़ करके आप अपनी तैयारी जो है वह बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को। देखिए, कंप्यूटर का अर्थ एवं विशेषताएं, कंप्यूटर की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी लेकिन कंप्यूटर का अर्थ समझिए। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट, देखिए कंप्यूटर में कंप्यूट शब्द आ रहा है, कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, गणना करना, ठीक है, कंप्यूट गणना करना। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना और संक्रिया प्रचालन करता है। अब देखिए, कंप्यूटर आपको पता है कि क्या करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं इसमें हार्डवेयर के द्वारा जो भी डेटा हम लोग देते हैं, इनपुट देते हैं, उसे कंप्यूटर क्या करता है, उसे कंप्यूट करता है, प्रोसेस करता है, इसे प्रोसेस करके फिर इसके बाद ये क्या करता है, आउटपुट देता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो यही हो गया कि जो भी, अब दो चीजों का प्रयोग होता है कंप्यूटर में, देखिए जो उसके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का कहते हैं। और जो भी चीजें उसमें फीड रहती हैं, जो भी प्रोग्राम रहते हैं जिसके आधार पे कंप्यूटर काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को आप टच फील नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का पूरा एक जत्था होता है, एक तरीके से समझिए कि कैसे काम करना है, ठीक है। जैसे अभी आप स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो वहां के कुछ नियम होंगे कि हाँ विद्यालय पे इस टाइम पे आना है, आपको इस ड्रेस में आना है, ये भी हो सकता है, और इस क्लास में आपको पढ़ाना है, आपको प्राइमरी में ही पढ़ाना है या जूनियर में पढ़ाना है, ये सारी चीजें क्या है, ये वहां के रूल एंड रेगुलेशंस है। इसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है, निर्देश होते हैं। जैसे आपको निर्देश दिए जाते हैं किसी परीक्षा में, जब आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हाँ आपको परीक्षा केंद्र पे इतने पहले पहुंच जाना है और ये चीजें आपके पास होनी चाहिए और आपको इस पेन का प्रयोग करना है और आपको घड़ी लेके जाना है या नहीं जाना है, कैलकुलेटर लेके जाना है कि नहीं जाना है, ये सारे निर्देश दिए रहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में निर्देश फीड होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो अब आगे देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। गति, अब कंप्यूटर में आपको पता है कि स्पीड होती है, तो कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों गणनाओं को संसाधित
कर सकता है, गणना की गति बहुत अधिक होती है। तो कंप्यूटर जो होता है वह बहुत ही तेजी से, आजकल के जो कंप्यूटर हैं वह बहुत ही तेजी से गणना कर लेते हैं, तो इनमें बहुत स्पीड होती है, बहुत गति होती है। तो ये हो गई कंप्यूटर की पहली विशेषता कि कंप्यूटर में स्पेस गति बहुत अच्छी, बहुत तीव्र होती है। अब दूसरी विशेषता देखिए, शुद्धता, एक्यूरेसी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। चूंकि कंप्यूटर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर काम करते हैं, इसीलिए मानवीय त्रुटियों के होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और इसके उत्तर अधिक सटीक होते हैं। अब बात करें, अब जैसे आपको एक बार आपने शुरू में सीख लिया गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, घटाना करना, लेकिन आप करते हैं तो आपसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मानवीय त्रुटियां कहते हैं। तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, आपको पता है, लेकिन अगर कंप्यूटर को यही चीज जब सिखा दी जाती है, कंप्यूटर ये चीज जानता है जोड़ घटाना गुणा भाग करना, और कंप्यूटर के द्वारा गलती नहीं होती, वह तेजी से कंप्यूट अभी मैंने आपको बताया ना, तो कंप्यूट कंप्यूटर करता है, गणना करता है, और एक इंसान की तुलना में बहुत तेजी से गणना करता है और बहुत ही शुद्धता से, एक्यूरेसी से, मतलब उसकी गणना में कहीं कोई गलती नहीं होती। तो दूसरी विशेषता आपको पता चल गया कि शुद्धता होती है। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, वह शुद्ध होता है, वह जो परिणाम देता है वह शुद्ध होता है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तीसरा देखिए, तत्परता, कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं, वे समान गति और सटीकता के साथ जटिल और लंबी गणना कर सकते हैं। अब देखिए, हमेशा जो है वह कंप्यूटर तत्पर रहता है, रेडी रहता है। अब कंप्यूटर को क्या चाहिए होती है, बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। मतलब कंप्यूटर आपने बना के रेडी कर दिया, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो वह हमेशा तत्पर ही रहता है, मतलब वह हमेशा रेडी रहता है। इंग्लिश में आप समझे तो तत्परता का मतलब होता है रेडी रहना, रेडीनेस, ठीक है। तो कंप्यूटर अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, वे समान गति और सटीकता के साथ जटिल और लंबी गणना कर सकते हैं, वह हमेशा तत्पर रहते हैं। यह आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर की विशेषता क्या हो गई कि वह हमेशा रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। आप जब भी उन्हें कोई भी इनपुट दोगे, कोई भी गणना करने को दोगे, तो वह तुरंत करके दे देंगे। अब इंसानों के साथ, मानव के साथ क्या होता है कि मानव मशीन नहीं, आपको पता है, हमेशा इंसान रेडी नहीं रहता है हर चीज के लिए, लेकिन कंप्यूटर को जिस चीज के लिए उसको मशीन को बनाया गया है वह हमेशा रेडी रहती है। अब इसके बाद देखिए अगली विशेषता कंप्यूटर की, देखिए बहुमुखी प्रतिभा, कंप्यूटर प्रकृति में बहुमुखी होते हैं, वे सामान्य समय में विभिन्न संक्रियाएं कर सकते हैं। अब आपको पता है कि एक जो कंप्यूटर होता है वह एक समय में कई सारी क्रियाएं कर लेता है, इसीलिए इसकी विशेषता हो गई कि यह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। कई इंसानों के बारे में भी कहा जाता है कि यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह कई सारी चीजें कर लेते हैं, कई सारी चीजें उनको आती हैं, कई सारी स्किल्स आती हैं। तो इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर होता है, यह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। तो यह हो गई इसकी चौथी विशेषता। अब इसके बाद देखिए पांचवी जो विशेषता होती है कंप्यूटर की, वह होती है स्टोरेज। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा और निर्देशों को स्टोर कर सकता है, जिसे किसी भी समय पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कंप्यूटर में आपको पता है कि स्टोरेज होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में जो किसी भी डेटा को रखने की जो क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है और सटीक होती है। एक छोटा सा भी डेटा इधर से उधर नहीं होता है कंप्यूटर में, और यह बहुत अच्छी विशेषता है कंप्यूटर की कि इसमें जो भी डेटा आप रखते हैं बहुत ही सुरक्षित और हर एक डेटा आपका हमेशा उपलब्ध रहता है। तो ये तो आपके हो गए पांच मुख्य विशेषताएं। आपका दो नंबर में पूछेगा तो ये कम से कम आपको पांच विशेषताएं लिख देनी है, लेकिन आपको याद रहे इसके लिए और विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो होता है वह कर्मठ होता है, मतलब हमेशा जो है वह निरंतर कार्य कर सकता है, या निरंतरता जिसे हम लोग बोलते हैं, स्पीडअप
को जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ऐप में, तो वहां पे मैं आपको कई चीजें और जोड़ के दे दूंगा, एक इमेज जोड़ दूंगा जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्वचालन भी होता है। कंप्यूटर की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें स्वचालन भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है, कई सारी कंप्यूटेशन आप लगा दोगे तो कंप्यूटर खुद से करता रहता है। देखिए कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिए गए कार्य को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होता है। अब एक प्रिंटिंग का ही टास्क है, अगर आप कंप्यूटर को दे देते हैं तो वह प्रिंट करता रहता है, ठीक है। एक बार जब यूजर निर्देशों को कंप्यूटर में फीड कर देता है तो उसके बाद आउटपुट प्रदर्शित करने तक की प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है और फिर कुछ उसमें करना नहीं रहता, तो ये हो जाता है स्वचालन। और मल्टीटास्किंग तो आपको पता ही है, और स्मरण शक्ति, जैसा कि स्टोरेज होता है तो इसमें स्मरण शक्ति होती है, और यह जो है कंप्यूटर तुरंत निर्णय लेता है, क्विक डिसीजन ये भी होता है, और इफिशियंट होता है, कार्य कुशल होता है, यह भी आप इसमें लिख सकते हैं, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता इसकी विशेषता हो सकती है, और ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी जानकारी होती है वह गोपनीय होती है। तो ये सारी विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, बहुत सारी विशेषताएं, ठीक है। तो मुख्य आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये 5 विशेषताएं आप लिख सकते हैं, और भी विशेषताएं मैं इस पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि जो है वह आपको भूले ना, कम से कम 5 विशेषताएं तो आपको याद ही रहे, आपको याद रहेगा, इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे देखिए कि कंप्यूटर का प्रयोग एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। देखिए पहला है शिक्षा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। जब से मल्टीमीडिया तकनीकी का आगमन हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अब देखिए दो चीजें हैं, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी इधर से उधर होने लगी, सारी जानकारी इकट्ठी एक जगह रहने लगी, और फिर बच्चों को भी कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रेजेंटेशन दिखाया जाने लगा। जब मल्टीमीडिया आ गया तो इसमें फोटोज वीडियोज का भी उपयोग होने लगा, और आजकल आप देखिए कि आप मोबाइल का भी प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का ही एक समझ लीजिए, कंप्यूटर में जैसे चिप्स का प्रयोग होता है वैसे ही आजकल के मोबाइल में भी प्रयोग हो रहा है, और आज आप इसी इन्हीं माध्यमों से, चाहे आप कंप्यूटर के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मोबाइल के माध्यम से, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हो रहा है, यह तो आप साक्षात देख पा रहे हैं कि हाँ आप खुद इसी माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो आप पहला तो ये याद ही रखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यह पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाशन कार्य में, इन पब्लिकेशन वर्क। कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग डीटीपी के लिए किया जाता है। डीटीपी के प्रयोग से छपाई की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार आया है, इसके अलावा चित्रों की छपाई भी आसान हो पाई है। अब डीटीपी यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप, डीटीपी क्या है, तो ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसे हम लोग बोलते हैं डीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है, डीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, ये जो कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर का उपयोग करके जो पब्लिशिंग की जाती है, बुक्स का डिजाइन जो किया जाता है, उसके अंदर जो फोटोज इंसर्ट की जाती है, मतलब पूरा बुक का जो डिजाइन है और डिजाइन के बाद उसकी जो प्रिंटिंग है, यह जो पूरी प्रक्रिया है इसी को डीटीपी कहते हैं। अब डीटीपी में कई सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, मतलब बुक का डिजाइन करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, डीटीपी में। तो प्रकाशन के कार्य में बुक्स का डिजाइन करना, बुक्स को छापना, इसमें भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया के प्रयोग से मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। 3D एनिमेशन पर आधारित जुरासिक पार्क, बाल हनुमान, बाल गणेश आदि फिल्में इसकी प्रमुख उदाहरण है। अब देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में और
आपको पता है मल्टीमीडिया के साथ ही एनिमेशन, 3D एनिमेशन जो होता है, जो कार्टून्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं कंप्यूटर में। और आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा VFX, तो VFX भी किसके माध्यम से दिया जाता है, एडिटिंग किसके माध्यम से की जाती है, ये सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो मनोरंजन के क्षेत्र में इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आप सबने बाहुबली मूवी देखी होगी या फिर अवतार मूवी जो हॉलीवुड की अभी आई है वो देखा होगा। ये सारी मूवीज में किसका इस्तेमाल होता है, VFX का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है व्यवसायिक क्षेत्र में, इन फील्ड ऑफ बिजनेस। तो कंप्यूटर का प्रभाव व्यवसाय क्षेत्र पे सबसे ज्यादा पड़ा है, बैंकिंग क्षेत्र हो या शेयर बाजार, पूर्णतया कंप्यूटर पर निर्भर है। कंप्यूटर के माध्यम से ही अकाउंटिंग के कार्य, इन्वेंटरी कंट्रोल आदि का कार्य अत्यंत ही सरल से हो जाता है। ई कॉमर्स अब आम बात हो चुकी है। अब इसके बाद बिजनेस के क्षेत्र में आप कंप्यूटर को समझिए। अब कहीं भी आप जाते हैं, देखिए चाहे आप छोटे से बड़े दुकान पे जाइए, मॉल्स में जाइए, तो सारे चीजें जो होती हैं, चाहे वो स्टॉक का मैनेजमेंट कर रहे हो, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑफलाइन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑनलाइन मार्केट में आपको पता ही है कि सारी चीजें, ई कॉमर्स आपको पता है, ई कॉमर्स आपने वर्ड सुना होगा। ई कॉमर्स भी क्या हो गया आपका, बिजनेस में आ जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स का, सामान का खरीद होता है या सर्विसेज खरीदना या बेचना, ठीक है। तो ये हो जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी आपका किस पे बेस्ड है, कंप्यूटर और इंटरनेट पे। सारा माध्यम जो है वह कंप्यूटर बनता है, आपको पता ही है, ई कॉमर्स। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में आपको पता ही है कि आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये भी सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। तो सारी चीजों का मैनेजमेंट, अब पहले क्या होता था कि डेटा जो है वह ऑफलाइन, सारी चीजें रजिस्टर मेंटेन होता था, खरीद फरोख्त, तो सारी चीजें जो है वह बहुत ही मुश्किल होती थी और प्रोसेस काफी धीरे होता था, आपको पता है। लेकिन कंप्यूटर के आ जाने के बाद जो सारी चीजें हैं वह काफी तेजी से होने लगी, और कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वह आपको पता ही है कितना जरूरी हो गया है और किस स्तर पे होता है। अब इसके बाद देखिए पांचवा जो आता है हमारा, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल फील्ड, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में तो कंप्यूटर वरदान सिद्ध हो रहे हैं। इस क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग औषधि निर्माण से लेकर के उपचार तक होता है। औषधि निर्माण में विभिन्न अवयवों की जांच करना, मात्रा निश्चित करना, औषधि के उसकी सफलता आदि में सभी जगहों पे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब बात आती है मेडिकल फील्ड की, तो आप देखिए डॉक्टर, जब कोई मरीज बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले उसे लिखता है जांच, जांच लिखता है। तो जांच किस माध्यम से आजकल होता है, देखिए सैंपल लिया जाता है, मशीन में डाला जाता है, और मशीन में डालने पे मशीन भी किससे ऑपरेट होती है, कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। तो चाहे वो जांच की प्रक्रिया हो, और उसके बाद चाहे डॉक्टर्स के द्वारा आजकल मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाता है, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से ही डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीज का पूरा डेटा रखते हैं, ठीक। दूसरी चीज ये हो गई, जांच के बाद जांच रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की जाती है, आपको पता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपको दवा देते हैं, दवा देते हैं, तो दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, दवा कहीं ना कहीं बनती होगी, तो जहां पे दवा बनती है, दवा में कई सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं, जिनका जो है मेकिंग, जो है मेकिंग प्रक्रिया जो होती है, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर के इस्तेमाल से सभी चीजें, आपको पता है, सभी चीजों के जो रखरखाव है, जो तेजी है, वह आई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो इस तरीके से पांच प्रमुख क्षेत्र आपने देख लिए। जो आपका शिक्षा का क्षेत्र है, उसी में आप मान लीजिए प्रकाशन का जो क्षेत्र है, पब्लिकेशन का, किताबों का। फिर तीसरा जो क्षेत्र है मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट, आप सभी को पता है। फिर
व्यवसाय, बिजनेस का क्षेत्र और मेडिकल का क्षेत्र। तो ये पांच क्षेत्र आप प्रमुख रूप से जानिए जिसमें जो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और छठवां अगर आप लिखना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, चाहे वह सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, बिल्डिंग्स का निर्माण हो, तो कंस्ट्रक्शन का जो क्षेत्र है, निर्माण का जो क्षेत्र है, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक। अब इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन का क्षेत्र, जो बातचीत का क्षेत्र है, इसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं, मतलब लगभग कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है। तो इस तरीके से लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह तो प्रमुख क्षेत्र मैंने आपको बता दिए, और ये पांच पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रमुख हैं और याद करने में आपके लिए इजी हैं, और आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछेगा लघु उत्तरी प्रश्न में, तो ये 5 पॉइंट आप हेडिंग डाल के इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पहला देखिए, कुशल एवं व्यापक गणना स्तर, इफिशियंट एंड वाइड रेंज ऑफ कैलकुलेशन लेवल। कंप्यूटर साधारण अंक गणितीय से लेकर के उच्च स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग तक की गणनाएं एवं तुलना कर सकता है। यह मानव की तुलना में अत्यधिक शुद्ध, विश्वसनीय, दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम है। तो पहला लाभ है कि यह इफिशियंट है और बहुत वाइड रेंज पे, बहुत ही व्यापक स्तर पे गणना कर लेता है। अब देखिए, पहला कंप्यूटर जैसे ही दिमाग में आए वैसे ही कंप्यूट शब्द पहले तो दिमाग में ले आइए आप, मतलब गणना करना, कंप्यूटर का काम ही क्या है, गणना करना। तो यह कुशल रूप से, शुद्धता से गणना कर लेता है। कंप्यूटर की विशेषता में भी आपने पढ़ा कि यह शुद्धता होती है, इसमें एक्यूरेसी होती है, तो वही चीज है, यह कुशल रूप से व्यापक गणनाएं कर लेता है। अब गणना कैसी भी, नॉर्मल गणना, कैलकुलेशन तो हम कैलकुलेटर के माध्यम से भी आज कर लेते हैं, लेकिन जो व्यापक बड़े स्तर की गणनाएं होती हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग वर्क्स में आ रहा हो या फिर साइंटिफिक वर्क में आ रहा हो या फिर वेदर फोरकास्ट, जो आपकी नई जो मौसम विभाग होता है उसकी गणनाएं, मौसम विभाग में सबसे अधिक गणनाएं होती हैं और उसमें प्रयोग लाना पड़ता है सुपर कंप्यूटर्स का। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर के लाभ में नेटवर्किंग, कंप्यूटर विभिन्न संसाधनों जैसे फाइलों को साझा करना, समय समय पे पैसे की बचत करता है। यह नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व की जानकारी प्रदान कर सकता है। इंटरनेट कार्य संप्रेषण, बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो नेटवर्किंग आप समझ लीजिए, चाहे बातचीत हो, चाहे बैंकिंग की सुविधाएं हो, ये सारी चीजें जो है वह कंप्यूटर के लाभ में आती है, नेटवर्किंग हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, सुरक्षा, सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर पर प्रयोगकर्ता सुरक्षा पासवर्ड डाल करके अपनी फाइलों को सुरक्षित कर सकता है। यह फाइलों को सुरक्षा प्रदान कर उनकी प्रतिलिपि, कॉपी अथवा उनकी चोरी किए जाने से बचाता है। अब देखिए, अगर आप डेटा जो है वह मेंटेन करते हैं कंप्यूटर पे, तो उस पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं जिससे कोई और उसको ना देख सके। तो कंप्यूटर का ये भी लाभ है कि उसमें आप डेटा मेंटेन करने के साथ साथ डेटा को सिक्योर भी कर सकते हो, उसको सुरक्षित भी रख सकते हो। तो ये भी लाभ हो गया कंप्यूटर का। इसके बाद देखिए, डेटा का स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा। कंप्यूटर की फाइलों को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें सभी फाइलों के बैकअप लेने की भी सुविधा मौजूद होती है। अब देखिए, कंप्यूटर में एक तो आप फाइलें बना करके स्टोर भी कर सकते हो लंबे समय के लिए, और साथ ही साथ उसका बैकअप इंटरनेट पे या कहीं पे किसी डिस्क में ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा। अब इसके बाद देखिए, अच्छा शैक्षिक उपकरण, मैग्निफिशिएंट एजुकेशन टूल। कंप्यूटर शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा शैक्षिक उपकरण साबित हुआ है। यह समस्याओं को हल करने, रचनात्मक एवं तार्किक अभिव्यक्ति की समझ को विकसित करने में सहायता करता है। तो अच्छा शैक्षिक उपकरण भी बना है। अब कंप्यूटर के विभिन्न लाभ हैं, यह 5 प्रमुख लाभ आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग से क्या क्या हानियां होती हैं। तो निम्नलिखित हानियां होती हैं, देखिए, प्रयोगकर्ता पर निर्भरता, डिपेंडेंट ऑन यूजर, कंप्यूटर स्वयं अपने आप कार्य नहीं करता, इससे अनुदेश देने की आवश्यकता पड़ती है, अनुदेश के लिए यह प्रयोगकर्ता पर निर्भर रहता है। अब देखिए कंप्यूटर की एक खामी क्या है, इसको आप समझिए कि कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता, जब तक आप उसे कोई निर्देश नहीं देंगे तभी कंप्यूटर काम करता है। तो आप इसको हानि के रूप में रख सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर को जब तक हम निर्देश नहीं देते हैं तब तक वह कोई काम नहीं करता है, तो डिपेंडेंट रहता है यूजर पे, जो कंप्यूटर को चलाता है उस पे उसकी डिपेंडेंसी रहती है। मतलब एक काम आपने दे दिया, उसने उस काम को करके खत्म कर दिया, कंप्यूट कर दिया, इसके बाद जब तक आप दूसरा काम उसको नहीं बताएंगे तब तक वह नहीं करेगा, ठीक है। तो यह पहली हानि होगी। दूसरी देखिए, त्रुटियों को सही नहीं करता, नॉट करेक्टिंग द एरर्स, कंप्यूटर स्वयं त्रुटियों को सही नहीं करता। अब देखिए, कंप्यूटर को मान लेते हैं आपने कहीं गलत निर्देश दे दिया या गलत डेटा दे दिया या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन आपने गलत दे दिया और उसके वजह से कोई गलती आ गई है, तो वह कंप्यूटर खुद सही नहीं कर सकता। ये आप समझिए बात को, जब तक उसका प्रयोगकर्ता यूजर या फिर कोडर ने वो चीज सही नहीं करता है तब तक कंप्यूटर खुद से कोई चीज सही नहीं करता है। तो ये दूसरी जो हानि हो गई। तीसरी देखिए, उपयोगकर्ता के साथ अंततः क्रिया नहीं करता, कैन नॉट इंटरेक्ट विथ यूजर। अब कोई इंसान है, दूसरे इंसान से आपको पता है कि वह बातचीत करता है, समस्याओं को डिस्कस करता है और उसका हल निकालता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है तथा यह प्रयोगकर्ता के साथ अंतःक्रिया नहीं करता, प्रयोगकर्ता के निर्देशों पर यह कार्य करता है, यह कोई इंटरेक्शन इसका नहीं होता है यूजर के साथ, मतलब यह बातचीत नहीं करता है, बात विमर्श नहीं करता है, यह केवल निर्देशों पे ही काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चौथा, विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई, नियमित विद्युत आपूर्ति इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसके अभाव में यह कार्य नहीं कर सकता। तो बिना बिजली के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं वर्क करती है, चाहे आप इनको बैटरी से एनर्जी दीजिए या फिर करंट से एनर्जी दीजिए, इनको कार्य करने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है, आपको पता ही है। इसके बाद देखिए, तार्किक रीजनिंग, कंप्यूटर में मानसिक क्षमताओं की कमी होती है, वह सोच नहीं सकता है, उसके अंदर भावनाएं संवेदनाएं नहीं होती हैं, नैतिक मूल्यों को समझने के लिए उसके पास कोई क्षमता नहीं है। अब देखिए, मशीन के अंदर आपको पता ही है कि खुद का तर्क नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शंस दे दी गई, जो चीजें निर्देशों के रूप में दे दी जाती हैं, उसी का अनुपालन कंप्यूटर करता है, इसके अंदर खुद की कोई समझ नहीं होती है, ना इसके अंदर कोई भावना इमोशंस होती हैं, ठीक है, और ना ही जो नैतिक मूल्य होते हैं हमारे, जो हम सीखते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा काम अच्छा होता है, कौन सा काम बुरा होता है, ये सारी चीजें कंप्यूटर नहीं जानता है, कंप्यूटर केवल निर्देशों पे कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर, आपको पता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल खराब गतिविधियों में भी होता ही होता है, जैसे आपको पता है कि आजकल अगर दो देशों में युद्ध होता है या कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसमें भी कंप्यूटर्स का, इन तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई नैतिक मूल्य नहीं होता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है, तो यही इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर खुद की कोई समझ नहीं होती है कि हाँ, कंप्यूटर अगर कोई खराब काम, कोई कंप्यूटर को खराब चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी वह कंप्यूटर करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी हो गई कंप्यूटर की हानियां। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो यहाँ पे देखिए, अब कंप्यूटर का प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यह जो आपकी वीडियो है यह लंबी हो जा रही है। यहाँ पे हमने देख लिया कंप्यूटर के लाभ हानि, कंप्यूटर्स किन फील्ड में प्रयोग लाया जाता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में देखा। अब
जो है वह एक क्लास और हम लोग इस चैप्टर में लेंगे, तब आपका जो है यह पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे, दो आधार पे कंप्यूटर के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी, इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। देखिए जैसा भी आपको क्लास समझ में आ रहा होगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और क्या आपका जो भी सवाल और सुझाव होगा, जो भी टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से, उनको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जो भी कोई भी आपकी दिक्कत होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम 5 मित्रों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है और ग्रुपों में शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में कंप्यूटर विषय की तैयारी अपनी कर पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में होगा बेल आइकन, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। अब मैंने आपको बताया कि यह पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा और फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप यहाँ नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम टारगेट यूपीटेट सीटेट, सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप में आपको सभी विषयों के जो है क्लासेस चैप्टर वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, और सभी जो नोट्स हैं ये जो पीडीएफ है यह प्राप्त कर पाएंगे आप। और जो सीरीज आती है आपकी लेटेस्ट सीरीज की पीडीएफ, राजन पवन सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथ में, और सभी क्लासेस को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर पाओगे, पीडीएफ को प्रिंट कर पाओगे, बिना प्रचार के सभी क्लासेस को आप देख पाओगे। और सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको कराएंगे, मैराथन क्लास कराएंगे, और जितनी भी तैयारी आपकी होगी उतनी तैयारी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की भरपूर हम लोग कराएंगे। तो इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।